हमारी भारतीय सरकारी कंपनी BSNL का 4G आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेगा दोस्तों। यस, जम्मू एंड कश्मीर में दोस्तों BSNL का 4G यहाँ पे आ रहा है, खास करके अनकनेक्टेड 200 विलेजेस जहाँ पे बिल्कुल भी टावर कनेक्टिविटी नहीं, वहाँ पे भारत सरकार ने क्लियर कर दिया सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों यहाँ पे जहाँ पे अनकनेक्टेड विलेजेस है वहाँ पे 4G लगाना है। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे BSNL को चूज़ किया गया, BSNL को यहाँ पे जमीन ट्रांसफर करना शुरू कर दिया गया। कौन कौन से विलेजेस है, कौन कौन सी जगह है दोस्तों जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में BSNL का 4G आ रहा है, उसके बारे में बात करेंगे स्टूडियो में। प्लीज़ बने रहे स्टूडियो के साथ अंत तक, मैं हूँ आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नो। BSNL का 4G दोस्तों बहुत जल्दी पूरे भारत में तो आपको TCS के तहत देखने को मिलेगा। TCS पूरे भारत में 1,00,000 टावर लगाया, लेकिन उसके अलावा भी BSNL को सरकारी दोस्तों USOF फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के तहत सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करती है। खास करके सरकार का यहाँ पे दोस्तों लक्ष्य है कि भारत के लाखों ऐसे गाँव है दोस्तों, अनकनेक्टेड विलेजेस है जहाँ पे अभी तक 4G छोड़ो 2G की भी ठिकानी टावर नहीं है, वैसे गांव के अंदर जाके 4G लगाना है। खास करके बॉर्डर एरियाज, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वैसे एरियाज में दोस्तों सबसे पहले 4G लगाना, जिसके लिए दोस्तों BSNL को यहाँ पे काम मिला है। देख सकते हो दोस्तों BSNL रिसीव्स लैंड फॉर 4G सेचुरेशन इन जम्मू एंड कश्मीर अनकवर्ड विलेजेस दोस्तों। यस, BSNL को दोस्तों यहाँ पे जमीन मिलना शुरू हो चुका है, 4G दोस्तों यहाँ पे लगाना है अनकनेक्टेड एरियाज, अनकनेक्टेड विलेजेस दोस्तों यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के। यहाँ पे गवर्नमेंट 4G सेचुरेशन प्लान जो है दोस्तों 2022 का सरकार का, कि यहाँ पे यूनियन कैबिनेट जो होगी दोस्तों अप्रूव किया था, जहाँ पे सेचुरेशन मोबाइल 4G मोबाइल सर्विस यहाँ पे लगाई जाएगी, सारे के सारे विलेजेस भारत के जितने भी जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पे लगाई जाएगी। तो जम्मू एंड कश्मीर की अगर बात कर ली जाए दोस्तों यहाँ पे, तो गवर्नमेंट ने दोस्तों यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ऑर्डर इशू कर दिया है 25 अगस्त दोस्तों यहाँ पे 2023 में यहाँ पे क्या, जहाँ पे BSNL दोस्तों सरकारी कंपनी BSNL यहाँ पे 4G 200 लगाने वाली है। अभी कौन कौन से दोस्तों यहाँ पे रीजन है जम्मू एंड कश्मीर के, दोस्तों अलग अलग रीजन है जहाँ पे, पहले बताऊँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया है जहाँ पे लैंड देना शुरू कर दिया, जमीन देना शुरू कर दिया, जहाँ पे 37 कैनाल है, 7 सरसाई की है दोस्तों, और 93 डिफरेंट अलग अलग लोकेशन है दोस्तों, कहाँ कहाँ की है, रियासी है, उधमपुर है दोस्तों, यहाँ पे डोडा सेक्टर है, उसके साथ यहाँ पे सोपियाँ है, बारामूला, पुलवामा, रामबान, उसके साथ यहाँ पे किश्तवाड़ है, और उसके साथ साथ राजौरी, ये कुछ ऐसी लोकेशन है दोस्तों जहाँ पे सरकार ने दे दी जमीन दे दी। इन सारी लोकेशन के अंदर जितने भी दोस्तों विलेजेस है जो अनकनेक्टेड विलेजेस है यहाँ पे 4G लेके जाएगा। कंडीशन दोस्तों ये है कि बहुत जल्दी दोस्तों BSNL जो होगा यहाँ पे अपनी 4G सर्विस को यहाँ पे लाइव करेगा, 4G यहाँ पे लगाएगा, क्योंकि सरकार ने क्लियर कर दिया कि बॉर्डर एरियाज खास करके इनको फर्स्ट प्रायोरिटीज देनी है, यहाँ पे 4G कनेक्टिविटी होनी चाहिए बॉर्डर एरियाज में। अभी तक जिस विलेजेस में कोई 2G का कोई खंबा ही नहीं, यहाँ पे 4G नजर आएगा आपको बहुत जल्दी दोस्तों। यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों यहाँ पे मनोज सिन्हा बोल चुके हैं, अप्रूव कर दिया है लैंड ट्रांसफर को, कि जमीन मिलेगी तभी तो आप करना है। एक चीज़ बताइए कि आपको स्पेसिफिक दोस्तों यहाँ पे मोबाइल टावर ही लगाना है, जो जमीन दी गई है यहाँ पे 4G टावर लगाने की कंडीशन यहाँ पे दी गई है, और बहुत जल्दी दोस्तों जो BSNL दोस्तों यहाँ पे 4G टावर लगेगा। बात की जा रही दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 26,316 करोड़ दोस्तों USOF फंड के तहत दोस्तों यहाँ पे दिए गए, जिसके तहत दोस्तों भारत भर के यहाँ पे अनकनेक्टेड एरियाज में, अनकनेक्टेड विलेजेस के अंदर 4G नेटवर्क यहाँ पे लगाया जाएगा। तो सो बात की एक बात दोस्तों यहाँ पे चल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के खास करके अनकनेक्टेड विलेजेस दोस्तों यहाँ पे जितने भी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताया, इनके सारे के सारे गांव के अंदर BSNL 4G लगाएगा। यस, BSNL का 4G टावर आएगा, जिसके लिए सरकार हजारों करोड़ दोस्तों खर्च कर रही है, और BSNL अपना 4G पूरे भारत के अंदर दोस्तों धीरे धीरे आपको आने वाले अक्टूबर नवंबर से दोस्तों भारत भर के बड़े बड़े सिटीज़ में देखने को मिल जाएगा, और आने वाले 6 महीने के अंदर TCS भारत के चप्पे तक दोस्तों BSNL का 4G यहाँ पे लेके आएगा। और TCS का तो ये भी दावा है कि मैं इस 4G टेक्नोलॉजी को इतना एनहांस करके दूंगा कि 3 महीने के अंदर इसको मैं नॉन स्टैंडअलोन 5G पे यहाँ पे अपग्रेड कर दूंगा। यह है दोस्तों BSNL 4G की पूरी स्टोरी, जहाँ पे BSNL अभी फिलहाल सरकारी दोस्तों आदेश के ऊपर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अनकनेक्टेड विलेजेस के अंदर अपनी 4G सर्विस लाइव करेगा। कुछ ही महीनों के अंदर दोस्तों आपको यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर BSNL का 4G दिखने लगने वाला है। वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर दे देना, आपके भाई का चैनल इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, शायद दोस्तों के साथ लिफेन चलेगा। पहली बार हमारे चैनल पर, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2,00,000 सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो दबा दीजिए। इसके पास दिखेगा घंटे का बटन, उसको भी जो दबा देना, उसको दबाना चाहिए। जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे नया वीडियो, तो प्लीज इस घंटे के बटन को तोड़ दीजिए। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ। तब तक वॉच, केयर, ऑलवेज कीप स्माइलिंग।